तो ये न्यू टैक्स रिजीम जो है, इसमें जो बदलाव किया गया है वो आप समझ लीजिए, 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, और पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 का था उसे 75,000 करने का काम किया है। नई टैक्स रिजीम जो है बदली हुई, उसको भी आप देख सकते हैं कैसे कैसे टैक्स लगेगा, आय कितनी तक है तो कितना टैक्स लगेगा। 3 लाख रुपये तक की आय में कोई टैक्स नहीं है, 3 से 7 लाख रुपये तक की आय में 5% टैक्स होगा, 7 से 10 लाख रुपये की आय में 10%, 10 से 12 लाख रुपये की आय में 15%, उसके ऊपर 20%, और फिर 15 लाख से ज़्यादा है तो 30% टैक्स आपको सरकार को देना होगा 15 लाख से ज्यादा की आय। और मोदी 3.0 के पहले बजट में क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ, किस पर क्या छूट दी गई, ये समझिए। मोबाइल, सोने के गहने, कैंसर की दवा, मोबाइल के चार्जर, सोलर पैनल, चमड़े का सामान, ये सारा सामान, ये सारी लिस्ट जो है सस्ते वाली लिस्ट है। चमड़े के सामान को भी सस्ता करके जनता को राहत देने की कोशिश की गई है। सस्ता क्या हुआ, सोना सस्ता हो जाएगा, इंपोर्टेड गहने, कैंसर की दवा, जो मुख्य रूप से 3 दवाएं हैं उनमें थोड़ी कमी आ जाएगी, चार्जर, मोबाइल फोन, ये सब सस्ता हुआ है, तो ये खुशी की बात है। वहीं महंगा क्या हुआ है, तो वहीं महंगे की अगर बात की जाए तो प्लास्टिक का सामान महंगा हुआ है, चमड़ा सस्ता हो गया है, प्लास्टिक का सामान महंगा हुआ है। अच्छी बात है, प्लास्टिक से दूरी बनानी चाहिए लोगों को, वैसे भी कहा जाता है, और प्लास्टिक का सामान जो है वो महंगा हो गया है। जबकि सोलर पैनल अगर आप लगाते हैं तो वो सस्ता हो गया है, इसके अलावा दूसरी चीज़ें सस्ती हो गई हैं। तो सस्ते और महंगे की अगर बात करें तो देखिए, सोलर पैनल आ गया, खुशी की बात है, प्रोत्साहन भी सरकार इसको लेकर प्रोत्साहित भी करती है लोगों को कि आप सोलर पैनल लगाएं घरों में, तो यदि ये सस्ता भी हो गया है तो अब और आसान हो जाएगा लोगों के लिए। सोने में महिलाओं की दिलचस्पी रहती है, जाहिर सी बात है, सोना भी कुछ सस्ता हो जाएगा। इसके अलावा ज्वेलरी, जो महिलाओं को खुश करने के लिए कहा जाता है कि ज्वेलरी उनकी सबसे पहली पसंद होती है, तो ज्वेलरी, और अगर पुरुषों की बात की जाए तो वो चमड़े से बनी चीज़ों को पसंद करते हैं, तो चमड़ा जो है वो सस्ता हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि उसका दूसरी चीज़ों पर दाम जो है वो भी पड़े, दाम पर भी असर पड़ेगा, चमड़ा भी सस्ता हो गया है। और आइए आप चलते हैं जगदलपुर, हमारे साथ श्रीनिवास नायडू जुड़े हुए हैं, और चलते हैं ग्वालियर, हमारे साथ सुशील भी जुड़े हुए हैं। अब ये बजट आ गया है, अब बारी है, सरकार ने तो बता दिया कि हमने आपके लिए क्या प्लानिंग की है, लेकिन जनता ने इस प्लानिंग को कैसे लिया है, जनता ने इस प्लानिंग को कैसे समझा है, जनता कितनी राहत महसूस कर रही है, बाजार क्या कुछ कह रहा है, व्यापारी वर्ग क्या कुछ कह रहा है, इसे समझने की बारी है। और इसके लिए सीधे चलते हैं पहले जगदलपुर, श्रीनिवास के पास। बताइए श्रीनिवास जी। बिल्कुल, 3.0 का जो बजट था, ये लोगों को काफी उम्मीद थी कि ये बजट राहत देने वाला होगा। बस्तरवासी इस बजट को लेकर क्या सोचते हैं, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है, बस्तरवासी है, इनसे बात करते हैं। सर, बजट को लेकर क्या है प्रतिक्रिया? बजट को लेकर पहली प्रतिक्रिया तो ये कि संतुलित समावेशी बजट है, परंतु बजट बहुत अच्छा बनता है, चीजें बहुत अच्छी हैं, पर उनका क्रियान्वयन जो है निचले स्तर तक प्रॉपर रूप में हो, उसका लाभ हर आम आदमी तक पहुंचे, इसको भी सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। तो सिस्टम को जवाबदेह बनाने की जरूरत है ताकि इसका लाभ हर किसी को मिल सके, और बहुत सारी चीज़ों में जैसे कैंसर से संबंधित आयात शुल्क हटाया गया है, और मोबाइल सस्ते हुए हैं, लिथियम बैटरीज पे हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों पे हुआ है, तो ये अच्छा प्रयास है और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की ओर ले जाने वाला कदम है। परंतु सिस्टम को पुनः दोहराना चाहूंगा कि जवाबदेह बनाने की जरूरत है ताकि इस बजट का और इन अच्छी योजनाओं का लाभ आमजन को मिल सके। महंगाई पर कितना कंट्रोल? महंगाई पर तो बजट काफी अच्छा है और महंगाई पर भी काफी कंट्रोल होगा। इसमें जहां तक बेरोजगारी का सवाल था, युवाओं के लिए भी काफी अच्छा अवसर है। और महंगाई क्या है, महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जो जनता, जिसके लेके जो विरोधी पक्ष बहुत ज्यादा मतलब इसको लेके आक्रोशित है, मैं समझता हूँ महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर और मोदी जी के कार्यकाल में जो विकसित भारत का एक जो सपना है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मेडिकल हो, एजुकेशन हो,
स्टार्टअप हो, बहुत से ऐसे अवसर जो हैं जो युवाओं को मिले हैं, ये महंगाई को मायने नहीं रखता। सर, युवा महिलाओं और किसानों के लिए? युवाओं के लिए तो रोजगार मूलक जो कार्यों को बढ़ावा देने के लिए बजट में जो प्रावधान किया गया है, मैं समझता हूँ बेहतर नहीं बेहतरीन है, और इसका जो क्रियान्वयन निचले स्तर तक होगा और भारतीय अर्थव्यवस्था में इसमें बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा, और विकसित भारत की जहां तक बात है, मैं समझता हूं कि माननीय मोदी जी ने जो बजट दिया है, ये बजट मील का पत्थर साबित होने वाला है। रोज व्यापार में कितना मील का पत्थर साबित होने वाला है? ठीक है, अब सुशील कौशिक भी हमारे साथ खड़े हुए हैं ग्वालियर से, उनके पास भी चलते हैं, उनके साथ भी कुछ लोग भी मौजूद होंगे और प्रतिक्रिया उनसे भी लेते हैं। सुशील, दो मेन हैं, एक तो महंगाई और दूसरा मिडिल क्लास, बजट क्या कह रहा है? बिल्कुल सही बात है। देखिए, ग्वालियर में भी बारिश के इस दौरान भी लोगों को बजट से खासी उम्मीदें थी, और यही वजह कि आज लोगों ने बजट टेलीविज़न पर देखा है। हमारे साथ लोग हैं, इनसे जानते भैया बजट किस तरह का बजट रहा है, कैसा बजट देखते हैं? मोदी सरकार की 3 बार सरकार बन चुकी है लगभग, और 3री बार जो 11 बजट पेश किया सरकार ने, वो 10 से जो 10 बार बजट उससे साफ बेस्ट नज़र आ रहा है। इसमें युवाओं का ध्यान भी रखा गया है, बेरोजगारों का ध्यान रखा गया है, बुजुर्गों का ध्यान रखा गया है, गंभीर बीमार से ग्रसित लोगों का ध्यान रखा गया है। काफ़ी चीज़ सस्ती हुई है, इस पर जनता को बहुत राहत मिलने वाली है। रोजगार के लिए भी, रोजगार के लिए भी, जी हाँ, मुझे रोजगार के लिए बिल्कुल भी 1 करोड़ रोजगार युवाओं को जो उसमें कंपनियों में मौका मिलेगा, जॉब के लिए उसका भत्ता भी दिया जाएगा, उसमें काफ़ी अच्छी बजट इस बार पेश किया है। और भी लोग भाई साहब, क्या लगता है आपको जो बजट आया है, मोबाइल चार्जर सोना चांदी तमाम चीज़ें सस्ती हुई है, और कुछ लगता है आपको कि कुछ लाभ हुआ? केंद्र सरकार का ये जो बजट आया है, इससे जो सामान्य वर्ग से ऊपर वाले जितने भी हायर क्लास सोसाइटी वाले लोग हैं, इनको तो कभी भी बजट का असर नहीं पड़ता, लेकिन जो चिंता का विषय है वो आम जनता के लिए ज़रूर है। सोना सस्ता हो गया है, लेकिन आम जो जनता है, एक आम आदमी जो है वो चैन से सोना चाहता है। दैनिक यूज़ की जो जितनी भी चीज़ें हैं, उनको बजट के अंदर थोड़ा सा दामों में कमी लेके आना चाहिए थी, और जितने भी सेक्टर्स में आपने दाम कम किए हैं वो ठीक है, लेकिन वो रोजमर्रा की चीजों में शामिल नहीं होते हैं, चाहे वो सोने की बात हो, चांदी की बात हो, मोबाइल हो, चार्जर हो, ये मिली जुली प्रतिक्रिया।